नमस्कार, जी सिंध म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लर्निंग सेंटर नागपुर में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम बप्पी दा के बारे में बात करेंगे। बप्पी लाहिरी जी, जिनको कि हम डिस्को किंग के नाम से जानते हैं, तो आज हम उन्हीं के दो सॉन्ग सीखने वाले हैं, दो सुपर हिट सॉन्ग। एक तो सॉन्ग उन्होंने गाया है और उनका जो म्यूजिक है वो तो बिल्कुल अल्टीमेट था, उनको हम कभी भी नहीं भूल सकते, वो हमारे बीच अपने म्यूजिक के रूप में हमेशा रहेंगे साथ में। तो आइए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उनको हम याद करते हैं दो सॉन्ग से। पहला सॉन्ग उनका ये होगा, प्यार कभी कम नहीं करना, ये सॉन्ग का सुनना, सुपर हिट सॉन्ग होने गया है। और दूसरा सॉन्ग है याद आ रहा है तेरा प्यार, डिस्को सॉन्ग, तो इसको हम फ्लूट पे बजाएंगे आज। बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों। उनका जो स्टाइल था, मैंने जब उनको कीबोर्ड पे प्ले किया था उनके सॉन्ग को, तो उनके सॉन्ग लोअर नोट में म तक जाते हैं। म म लोअर नोट नहीं होता है बांसुरी में, उनके नोट म लोअर म तक जाते हैं, लेकिन बांसुरी में लोअर म नहीं होता है। तो मैंने इसको इतने आसान तरीके से तैयार किया है कि लोअर म आएगा ही नहीं आपके, इसमें आपको लोअर प तक ही जाना पड़ेगा। तो मैंने इसको बहुत आसानी से तैयार किया है कि आप उसको अच्छे से सीख सके। तो ज्यादा टाइम में लेते हैं और शुरू कर देते हैं। तो देखिए, पहला सॉन्ग करेंगे, प्यार कभी कम नहीं करना। तो सबसे पहले दोस्तों एक काम कीजिए, आप तो इसको नोट कर लीजिए, मैं बाजू में हो जाता हूँ, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब चालू करते हैं हम इसका सॉन्ग सीखना। देखिए, ये मेरी फ्लूट है, आप इसको फॉलो करेंगे और सीख सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट बजा के दिखाऊंगा आपको। इसमें आपको सिर्फ तीव्र म का यूज करना है, क्योंकि मैंने उसको चेंज किया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर तीव्र म का यूज करना है। कुछ एक नोट है जो लोअर ऑक्टेव के हैं, ठीक है, और ऐसा इसमें कोई कॉमन सॉन्ग नहीं है। तो देखिए, शुरू करते हैं, प्यार कभी। देखिए, पहले मैं आपको एक लाइन सुना देता हूं, ठीक है, ठीक है ना, बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आपको आ जाएगा। उसके बाद में मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना, तो मर जाएंगे आशिक वरना। अब यहां पर ये जो थे ये लोअर थे और ये है मिडिल वाले, ध ध ध प, अब कर लेना,
इतनी शुरुआत का फर्स्ट वर्स इसको सीखना है और हमको बप्पी वाला को याद करना है, बस इतना सॉन्ग आप सीख लीजिए, उसके बाद में आपको अच्छा लगता है तो मुझे आप बताइएगा, फिर हम इसका स्टैंड अप भी सीख सकते हैं आगे चलकर। तो इसी के साथ में एक ही वीडियो में दो सॉन्ग सिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी चल रहा हूँ। तो जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स जो भी होने वाले हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसकी लिंक डाली हुई है, उसमें मैं जो भी ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ या ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, तो हमारे स्टूडेंट लोगों के जो परफॉर्मेंस होते हैं और बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है जो मुझे स्टूडेंट्स लोगों को देनी होती है, वो सब मैंने इस टेलीग्राम चैनल में डाल के रखे हैं। तो उसके लिंक नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरा चीज, आपको यदि पता नहीं होगा तो, वैसे तो सबको पता चल चुका है कि जी सिंह म्यूजिका का गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी आ गया है, उसके लिंक भी मैंने नीचे डाल दिए। उसमें हम फ्लूट के अलावा पियानो सीख सकते हैं, गिटार सीख सकते हैं, यूकुलेले मैंडोलिन भी सीख सकते हैं, और फ्लूट के तो दो दो कोर्सेज डाले हुए हैं, आप जाइए देखिए, उसको जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीचे। चलिए आइए अब सेकंड सॉन्ग सीखते हैं। याद आ रहा है तेरा प्यार, सुपर हिट सॉन्ग था ये डिस्को डांसर का, और आज हम इस डिस्को सॉन्ग को इस फ्लूट पे बजाएंगे, और मेरे पास जो फ्लूट है वो सी स्केल की फ्लूट है, तो मैं आपको पहले सुना देता हूँ। ही बचता है तो मैंने उसको शिफ्ट किया है, मैंने उसको शिफ्ट करके ऊपर लेके आया है गाने को, तो मुझे थोड़े से नोट्स चेंज करने पड़े हैं, ठीक है। तो मैंने आपको चेंज करके बताया हुए नोट्स है, तो आपका भी म लोअर में ही जाएगा, प जाएगा, ठीक है। तो देखिए ग म प म ग ग, ग म को फास्ट बजाना, ग म प म ग रे सा रे रे रे, देखिए या ग म प एक साथ है ना, जैसे तेरा प्यार सा सा रे ग रे ग सा सा रे ग ग म ग रे, ये रे ग और ये ग म ग बहुत फास्ट है, ठीक है। और ये जो है ये सुनिए इसका, थोड़ा सा नीचे, तो रे सरे धा, रे सरे धा, देखिए
इसको हाई ऑक्टेव में लेना, आपको मजा आएगा। कैसे? सनी सा प, सनी सा प, हाई ऑक्टेव में, हाई ऑक्टेव कह देता हूं मैं इसको, रे सा रे धा और सनी सा प। तो दोस्तों आया ना मजा आपको? तो इस ढंग से मैंने ये छोटे छोटे सॉन्ग स्पेशली आपके लिए तैयार किए हुए हैं। मेरा कोई भी मूड नहीं था, कोई इरादा नहीं था ये गाने करने का, लेकिन मुझे लगा कि बप्पी लाहिड़ी को हम एक श्रद्धांजलि के तौर पे ये दो सॉन्ग उनको डेडिकेट करते हैं, को ट्रिब्यूट करते हैं, इसलिए मैंने दो सॉन्ग बनाए। आप सीखिए और मुझे बताइए कि क्या आपको अच्छे लगे, क्या आपको इनका स्टांजा भी सीखना है। यदि हाँ तो मुझे बताइए, यदि ज्यादा लाइक्स यदि आते हैं, यदि आपकी काफी डिमांड होती है तो मैं वो भी सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ओके।